नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। हम बात कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रही चर्चा को लेकर जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिल रहा है। आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से पीयूष पंत जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। चिंटू शेख हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना के। आनंद साहू नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। और हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत पीयूष पंत जी मैं आपसे करूंगा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये जो चर्चा हो रही है इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? नहीं देखिए, ये शुरू से ही साफ था कि ये एक जो है पॉलिटिकल स्कोर करने वाली बात है, क्योंकि अब जो कि चुनावी माहौल सामने है, 2019 का चुनाव है और राज्य के चुनाव भी हैं, तीन राज्यों के चुनाव हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस बार जो है इस सत्र में जिस तरह से ये स्वीकार कर लिया गया स्पीकर के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का, आपको याद होगा कि बजट सेशन में भी ये रखा गया था लेकिन तब ये रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये लग रहा था कि वो पूरे उस माहौल में सभी राजनीतिक दल आ गए हैं और इस समय ये खासकर जो जितने भी विपक्षी दल थे उनका एक गणित था कि वो कितने दल उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो तय करा कि भविष्य में जो उनकी रणनीति बनेगी उनमें कितने विपक्षी दल उनके साथ होंगे, ये भी कुछ कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा ये भी हुआ कि कितने लोग जो हैं एनडीए के पाले में रहते हैं, ये भी आंका जा सकता था। तो दोनों ही पार्टी, खासकर राहुल जी को का एक मौका था क्योंकि वो कभी इतना बोल नहीं पाए हैं या उनको संसद में इतना बोलने का मौका नहीं मिला या उन्होंने मौका उठाया भी नहीं है, जब मौका मिला भी तब भी नहीं उठाया, लेकिन आज वो मौका था। लगता है कि राहुल गांधी जो है जब से अध्यक्ष बने हैं उसके बाद पहले एक लंबा भाषण देने का उनका ये मौका था। मुझे लगा ये सारी चीजें दिमाग में थी ताकि आप अपनी बातें जो है जनता तक पहुंचा सकें, क्योंकि जिस तरह से तमाम मीडिया है वो उसमें ज्यादातर जो है भाजपा या मोदी जी की ही बातें सामने आती हैं और ये लगता है कांग्रेस को या दूसरे विपक्षी दलों की हमारे बातें सामने नहीं आ रही है। अगर आपने टीडीपी के जो सांसद जिन्होंने अपनी बातें रखी थी जब बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें ज्यादातर बातें मुझे लगी कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्होंने वही बातें कही। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ उसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है उसमें, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, जो रिसोर्सेज थे हमको नहीं मिले, बंटवारा हो गया, तो ये सब बातें कही गई। तो उससे मुझे लगता है कि वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे थे संसद के सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने। और यहाँ भी विपक्षी दल थे, उनका ये भी उद्देश्य था कि एक तो अपनी एकता की जो बात है उसको देखें कितनी सही है कितनी गलत है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप अपनी बात पीयूष पंत जी पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये क्योंकि देखिए नंबर्स तो हमें एनडीए के साथ थे तो क्लियर था पहले से ही है, अगर वोटिंग होती है तो एनडीए को जीतना ही जीतना है इसमें सरकार को। लेकिन सवाल ये था कि चूंकि चुनावी माहौल जैसा कि मैं कह रहा था उसमें जहाँ की राहुल गांधी को भी टेस्ट करना था अपने आप को वहाँ पे और किस तरह से वो जनता एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को और जो मैसेज पूरी जनता के सामने आता है देश में और जिस तरह वो सरकार को घेरते हैं, तो मुझे लगता है वो उनका काम पूरा हुआ है। उन्होंने काफी हालांकि शुरू में लगा थी वो वही जिस तरह से भाषण देते हैं चुनाव में उसी तरह है, लेकिन अंत होते होते वो पूरे अपने जोश में आ गए और उसने काफी कुछ जो है मुझे लगता है आज एक उनकी एक दूसरी छवि निखर के आई है जो वो चाहते भी थे कि ऐसा कुछ हो, कांग्रेस चाहती थी ऐसा कुछ हो मुझे लगता है। और अब जो है अंत में जब मोदी जी जवाब देंगे तो मोदी जी तो चूंकि माहिर हैं भाषण में, भाषण कला के वो माहिर हैं और वो जो जिस तरह से बातें करते हैं तो निश्चित रूप से वो जादू की झप्पी का भी जिक्र करेंगे क्योंकि ऐसा अमूमन देखने को मिलता नहीं। लेकिन आज जब राहुल गांधी बोलने के लिए जा रहे थे उसके पहले प्रधानमंत्री से जिस तरह से गले मिलते हैं उसके भी मायने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गांधी के जरिए भी कहीं ना कहीं इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश है। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या था, सरकार के प्रति अविश्वास जाहिर करना या फिर कांग्रेस अध्यक्ष की इमेज बिल्डिंग करना? देखिए एक बात स्पष्ट है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कामकाज चल रहा था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही थी और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो देश में घूम घूम करके बहुत से ऐसी बातों को कह रहे थे जो कि सत्य से परे थे, तो निश्चित रूप से उसको ऑन रिकॉर्ड लाना था, देश की जनता को ये बताना था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो वास्तविकता क्या है, ये लोकसभा में आकर के शायद सही बोले, वरना मन की बात में और भाषणों में तो वो कोई भी सत्य बात नहीं बोलते। जिसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि वो कहते हैं मैंने 100% जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, जबकि 90% से ज्यादा जो है वो यूपीए की हुकूमत में हो चुका था और आज भी 5 से 6% रह गए, जो अपने आप में एक गलत डेटा है। और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जो है वो बोलते रहते हैं अपने भाषणों में, तो उन सब चीजों की भी सत्यता को
लाना जो है वो आवश्यक था कि इस तरह से एक सत्यता निकल करके आए। एक और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात थी, हालांकि वो बराबर देखने को मिली, ये जो भीड़ तंत्र की मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में शासन चला रही है, और जिस तरह से भीड़ तंत्र की मानसिकता आज हमको देखने को मिली है जब राहुल जी अपना भाषण दे रहे थे, निश्चित रूप से वो अफसोसनाक है। निश्चित रूप से उसको जितनी भी निंदा की जाए वो कम है कि वो अपना भाषण दे रहे थे और लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के लोग जो है उनको भाषण नहीं देने दे रहे थे और बहुत से ऐसे असभ्य टिप्पणी भी कर रहे थे जिसको कि राहुल जी ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया। यह अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बौखलाई हुई है, परेशान है, और आखिर में जब राफेल डील को लेकर के और उनके भ्रष्टाचार को लेकर के राहुल जी ने आक्रमण किया है, तो यह अपने आप में देखने वाली चीज थी कि जो सत्ता पक्ष था उसने इतना हंगामा किया कि एडजर्न करना पड़ गया पूरे के पूरे हाउस को। ये तो पहले से इस बात को लेकर वो बोलेंगे आशंकाएं थी कि सदन तो हंगामेदार होगा, और जिस वक्त राहुल गांधी बोलेंगे उस दौरान हूटिंग भी होगी, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल भी किया जाएगा कि शायद उनका ध्यान भ्रमित भी किया जा सके। चिंटू शेख जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आनंद साहू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन चिंटू शेख जी आपसे जरूर चाहूंगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो रिश्ते हैं वो थोड़े तल्ख हो रहे हों, लेकिन राहुल गांधी जिस 15 मिनट की बात कर रहे थे कि 15 मिनट का वक्त मिला तो भूकंप आ जाएगा, आज तो ठीक ठाक मौका मिला उन्हें, क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने वो दम दिखाने में कामयाबी हासिल की? नहीं, बहुत अच्छा बोले राहुल जी ने, अपना पक्ष अपने पार्टी का पक्ष बहुत अच्छा बयान किया, उन्होंने सब मुद्दों पे बराबर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की, घेरा भी, जबकि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था जी। उनके बोलने के वक्त बहुत सारा हंगामा हो रहा था, पर उन्होंने अपने मुद्दे बराबर रखे और लास्ट में उन्होंने जो एंडिंग करके मोदी जी को गले लगा के जो एंडिंग की, मतलब मारा और दूसरी दूसरे दूसरे गाल पर प्यार किया, एकदम गांधीगिरी के जैसे किया, गले लगाकर जितना बोला था, जितना मोदी जी के बारे में और मोदी जी की सरकार के बारे में जितना उन्होंने बोला, उसके बाद गले मिलकर ऐसे लगा कि गले मिलकर कोई मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को दोनों, और जितना जितना उन्होंने विरोध करना था किया, और बोल के एक बोलते ना गले लगकर सब शांत कर दिया। नहीं, आप लोगों की पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है आपके, चिंटू शेख जी कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति हो रही है, कभी आप कहते हैं कि हम समर्थन करेंगे, नहीं वोटिंग करेंगे उसमें समर्थन करेंगे, हमने सब हम समर्थन की बात हमारी कल जो चंद्रकांत खैरे साहब हमारे सांसद साहब है जी, उन्होंने मना कर दिया नहीं करके, और पक्ष प्रमुख उद्धव साहब हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है वो पत्रकार परिषद ले रहे हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, हम वॉकआउट करेंगे, साथ में रहेंगे या बाहर, चले ठीक है, अभी अभी आप पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में है। हम इंतजार कर रहे हैं आनंद साहू जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप काफी देर से उंगली भी उठा रहे हैं, भूकंप महसूस किया आपने? जी आपका सवाल दोबारा पूछे सर। राहुल गांधी आज जिस तरीके से बोले, जिस अंदाज में बोले, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का जो मोटिव था इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे वो कामयाब रहा? अभी तो आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना है और दुनिया जो है अभी देखी है कि उनका भाषण क्या है, और उनके नेताओं ने भी देख लिया है उनका भाषण कैसा है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं बोला, जो चीजें आज चार साल से वो बोल रहे हैं उसी को उन्होंने दोहराया है, और कोई नई बात उन्होंने कोई बताया नहीं है, नई बात एक ही उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वो गए और वो एक गले लगे, वो एक नई बात है। दिस इज आपके सहयोगी तो पीठ थपथपा रहे हैं, कंट्री आपके सहयोगी तो पीठ थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आज बोले और खूब जम के बोले। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये मान्य सी ये सांसद राहुल गांधी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनको पहली बार मौका नहीं मिला है, इनको तो 15 साल से पार्लियामेंट में मौका ही मौका मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है कि अभी मौका मिला है इनको, इनको मौका बार बार मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, अपना भाषण खुद को थपथपा लो, अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे तब पता चलेगा इनकी भाषण कितने पानी में है। चले उसका भी देख के जाने का इंतजार करें कि प्रधानमंत्री किस अंदाज में जवाब देते हैं। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, जो आत्मविश्वास की परीक्षा कही जा रही थी, इस आत्मविश्वास की परीक्षा में राहुल गांधी पास हुए, ठीक है आनंद साहू जी भाषण करा दिया, ठीक है आनंद साहू जी भी मेरा बात नहीं हुआ और आप कह रहे हैं ठीक है हो गया सर, बाकी मेहमान भी है ना, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा,
मैं दोबारा आपके पास आऊंगा सर। दिक्कत है ना, एक मिनट भी नहीं हुआ है। आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग एंड यू आर टेलिंग नो, यू आर फिनिश्ड। ठीक है फिर मैं उठ जाता हूँ, आप करा लीजिए भाषण। नहीं आनंद साहू जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए सर। व्हाट इज दिस, आप एक बार बताइए, राहुल गांधी जी ने जो कहा उन्होंने कोई नई बात, मैं यही बात कह रहा हूँ। उसके बाद आपने कहा कि हो गया आपका भाषण पूरा हो गया, ये दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। सर आपके सहयोगी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं राहुल बोले और खूब जमकर बोले। ठीक है मैं जवाब, ठीक है देखिए सहयोगी के भाषण अब ठीक है, आपने आप उनकी बात भी आपने रख दिया, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं ये बताता हूँ कि पूरा विपक्ष ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है जी जी। वो बुरी तरह से हार चुके हैं। दे आर इन माइंड सेट कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाषण देके निकल जाते हैं। इस प्रकार की चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में, आप तो टीवी डिबेट ये सब देख के आप बोल रहे हैं, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार जब बोलेंगे तो पूरा हिसाब किताब तैयारी के साथ बताएंगे कि देश को क्या दिया और हमने क्या दिया और कांग्रेस ने 60 साल में क्या दिया। और ये विपक्ष हमारे जो गठबंधन के लोग हैं जो थपथपा रहे हैं उनको भी मुबारक, उनके वोट जो डूबने वाले हैं उसमें सवारी कर ले और हम उसको भी मुबारक। ठीक है चलिए, अब आपकी बात पूरी हो गई ना, या अभी कुछ और बाकी है? हमारी आप अंदर होकर आए ना, और कुछ अगर अहम जानकारी हो तो दे दीजिए। अब ठीक है अब आप डिबेट कराइए, नो प्रॉब्लम। गोविंद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। बात कही है गोविंद जी, जो महत्वपूर्ण बात कही है जी अक्षय एक महत्वपूर्ण बात कही है आनंद साहू जी से, उसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन ले ले। उन्होंने कहा कि जो आपके सहयोगी हैं वो डूबती हुई बोट में बैठने जा रहे हैं, तो ये अपने किन सहयोगी की बात कर रहे हैं, इन्होंने किसको अपने यहाँ से हटा दिया है? सर इसीलिए मैंने चिंटू शेख साहब से पहले सवाल किया था कि कभी हाँ कभी ना की जो स्थिति बन रही है, ये दो मझदार में डूबने का खतरा होता है। साहू जी से पूछे गोविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं सर आऊंगा, आप कम से कम ये तो मत बताइए कि किससे क्या सवाल करना है और क्या करना है। मैं करूंगा ना, ये मेरा काम है। नैया डूब रही है ये जनता को पता है। चिंटू शेख साहब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। गोविंद जी भाषण से राशि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो हम बात कर रहे थे कि सभी को पता था कि इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है, सब पीड़ित है इसमें, जो ये कहा जाता है कि आत्मविश्वास की परीक्षा है, कौन आत्मविश्वास में पास हो रहा है और कौन फेल। गोविंद जी अक्षय अपना प्रश्न दोहराएंगे क्या? सर जो आत्मविश्वास की परीक्षा कही जा रही थी कि आज आत्मविश्वास देखा जाएगा दोनों ही पक्षों का, जो लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और जो लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आत्मविश्वास किसका जागता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका जो क्योंकि ये तेलुगु देशम की ओर से प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हुआ था जी, उन्हीं को पहले बोलने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि इसका जो राजनीतिक लाभ है वो पूरी तरह से तेलुगु देशम ने लेने की कोशिश की है और तैयारी के साथ की जी जी। इसलिए मैं ये देखता हूं कि अगर किसी के पक्ष में अभी तक इसका जितनी कार्रवाई हुई है ये किसी के पक्ष में जाता दिखता है तो वो तेलुगु देशम के पक्ष में दिखता है। राहुल गांधी बहुत अच्छा बोले, लंबा बोले, पहली बार संसद में इतना ज्यादा बोले, उनका आत्मविश्वास भी दिखाई दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी की तरफ से तैयारी नहीं की गई थी। उन्हें बहुत छोटे दल तेलुगु देशम से सीखना चाहिए कांग्रेस को कि किस तरह मुद्दों को रखा जाता है। तेलुगु देशम ने जब बात करी तो उनके पास पूरे देश के तुलनात्मक आंकड़े थे जी, दूसरे देशों के तुलनात्मक आंकड़े थे और उन्होंने इतनी चतुराई से अपनी बात को रखा है। वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं, बुंदेलखंड से तुलना करते हैं, बुंदेलखंड के इलाकों की जितनी आबादी है वो कुछ हजार या कुछ लाख में है जी, और वो जिस राज्य की बात करते हैं वो करोड़ में उसकी आबादी है जी, लेकिन उन्होंने पर कैपिटा जो केंद्र की तरफ से दी जा रही जब योजनाओं की बात करी तो ऐसा दिखा कि केंद्र बुंदेलखंड को जो दे रहा है उसकी तुलना में आंध्र प्रदेश को उसका 1/10 हिस्सा दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखी, पूरे तर्कों के साथ रखी जी। और अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा ही होना चाहिए कि आप जिस मुद्दे पर अपने राज्य के साथ जो भेदभाव होने का आरोप उन्होंने लगाया वो अपने अभी तक वो इस बात को साबित करने में पूरी तरह से सफल रहे कि उनके राज्य के साथ भेदभाव हुआ है और इन इन वजहों में हुआ है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की तरफ से जो बात आई उसको देखें
तो साफ दिखता है कि राहुल गांधी ने वही सब चीजें दोहराई जिन चीजों को पिछले करीब 3 साल से वो बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जुमलेबाजी से लेकर राफेल डील से लेकर अमित शाह के बेटे के बैंक उसके ट्रेड को में कई गुना पैसा बढ़ जाने से लेकर और तमाम जिन चीजों की उन्होंने बात करी वो सारी चीजें एक अच्छा राजनीतिक भाषण तो था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने को कहती है और जिसका उन्होंने जिक्र किया कि आजादी हमने दिलाई और हम ही लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी हैं, उस पार्टी के नाते जो तैयारियों के साथ बात होनी चाहिए थी उसका पूरा अभाव दिखाई दिया। वो अपने राजनीतिक अंदाज में किसी मंच के भाषण की तरह उन्होंने अपनी बात करी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से जो एक जिसको झप्पी कहा जाता है वो उसका जो उन्होंने अभिनय किया वो निसंदेह अगर वो दिल से किया उन्होंने तो वो भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है, और अगर उन्होंने वो नाटकीयता लाने के लिए और चर्चा में अपने को लाने के लिए किया तो भी वो राहुल गांधी की तरफ से एक अच्छा राजनीतिक चतुराई का कार्य है। लेकिन अगर तर्कों की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, वो राफेल डील पर अगर उनके पास तर्क थे तो वो थोड़ी गंभीरता से उन बातों को अगर रखते तो शायद राफेल डील के सवाल पर ही आज सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन राहुल गांधी एक अच्छा भाषण देकर और अपना सबसे लंबा भाषण देकर, हालांकि वो 15 मिनट से ज्यादा था और भूकंप आने की जो बात जिस तरह की थी वो तो नहीं हुई, लेकिन एक अच्छा भाषण उन्होंने जरूर दिया। चलिए बिल्कुल, इसीलिए हमने एक सवाल ये भी उठाया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष की इमेज बिल्डिंग भी इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आ रहा है। कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है ये तो पहले ही सभी को पता था, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सेफ थी, लेकिन उसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाना, क्या 2019 को लेकर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ जो प्रयास थे वो प्रयास मुकम्मल हुए हैं? संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। चर्चा की शुरुआत करते हुए टीडीपी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। टीडीपी सांसद जयदेव गाला ने कहा कि मोदी सरकार ने आंध्र के साथ धोखा किया, सरकार ने आंध्र प्रदेश से किया गया वादा अपना पूरा नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, राफेल डील जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राहुल ने आरोप लगाया कि राफेल डील पर प्रधानमंत्री के दबाव में रक्षा मंत्री ने झूठ बोला है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हलाल नकवी साहब, आप इस बात को स्वीकार करेंगे तैयारियों में थोड़ी कमी रह गई? अक्षय, यहाँ पे दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात यह है कि जो लोग भूकंप का इंतजार कर रहे थे कि धरती डोलेगी, छत जो है वो फट जाएगी, झूमर गिर जाएंगे, मेज कुर्सी उड़ जाएगी, तो निश्चित रूप से उस तरह का भूकंप नहीं आया, लेकिन ऐसा जरूर था कि जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि 15 मिनट तक की पूरी जो प्रोसीडिंग्स थी वो रोकनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं राहुल जी का जो भाषण था उसने सत्ता पक्ष को चीर के रखा है, कहीं ना कहीं उनको असहज किया है, और कहीं ना कहीं उनके सवाल ऐसे थे जिसके जवाब इनके पास नहीं थे। तो जो बात कही थी राहुल जी ने वो उसी तरह का भाषण था और उसी तरह की प्रतिक्रिया भी हमको देखने को मिली। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि तैयारी नहीं थी, देखिए टीडीपी जो है वो अपना मोशन लेकर के आई थी। टीडीपी अपना मोशन इसी बात के पर लेकर के आई थी कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया, उन्होंने उसी के हिसाब से अपना पूरा का पूरा भाषण दिया है। राहुल जी के भाषण में जिस तरह से डिस्टर्बेंस किया गया, जिस तरह से उनके लगातार डिस्टर्ब किया गया, ऐसे में निश्चित रूप से राहुल जी को भाषण देना बहुत सहज नहीं था। राहुल जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है जो मोदी जी के पास जाकर के उनको जो झप्पी दी है कि आप कुछ भी हमको कहते रहे, आप हमको साहबजादे कहते रहे, आप हमको नामवर कहते रहे, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए किसी तरह की कोई कटुता नहीं है, हमारे दिल में आपके लिए कोई बैर नहीं है, हम मात्र राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। आप जो है वो हमसे अपनी प्रतिद्वंदिता व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानती है। ये उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है जो देश की जनता जो है उसके लिए और भारत की संस्कृति में बहुत आवश्यक था, और जबकि वो लगातार उनको ललकाते रहे कि आंख में आंख देखकर डालिए और बैठ करके हमारे भाषण को सुनिए, जो कि मोदी जी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जी ने जो सहजता दिखाई है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है और जो एक अच्छी राजनीति का उन्होंने शुरुआत की है, उसके लिए निश्चित रूप से राहुल जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आनंद साहू जी, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि तारीफ करना चाहिए, मैंने भी कहा कि वो एक ही चीज नया किए, मैंने शुरू में कहा, लेकिन उन्होंने बाकी कोई नया नहीं किया और बार बार ये कह रहे हैं कि भाषण करने नहीं दिया।
सबसे ज्यादा भाषण करने दिया, हमारे लोगों ने तो कोई हल्ला ही नहीं किया, केवल निर्मला सीतारमण जी। ऐसा व्यक्ति जो लगातार व्यक्तिगत प्रहार करता रहा हूँ राहुल जी पर, देखिए आप भी राहुल जी बोलिए, मैं तो फिर हम भी आपके मुंह को सवाले के साथ, यू डोंट हियर द डिबेट, सुन लीजिए आनंद साहब, ये गड़बड़ है। अरे सर अपनी बात पूरी करिए, मैं आप इतने लंबी लंबी भाषण दिए तब मैंने नहीं बोला, अब आप जो है व्यर्थ में समय क्यों गवा रहे हैं, ये इस प्रकार की भाषा में मत करिए डिबेट। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी पार्टी ने पूरी डिबेट करने दी, एक्सेप्ट हमारे जो डिफेंस मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उसका मैं जवाब देती हूं, और उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट है निजी तौर पर आप सारा जो डॉक्यूमेंट है वो देख लीजिए, वी कैनॉट शो टू द पीपुल बिकॉज फ्रांस गवर्नमेंट के साथ जो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ जो हुआ है उसमें डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी ऑन दिस और टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द डिफरेंट कंट्री और पूरा दुनिया को। ये कई बार अमेरिका के साथ भी ये होता है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो वी कैनॉट डिस्क्लोज इट, तो ये हुआ उन्होंने बताया, और इसके अलावा उन्होंने ये कोई नहीं हुआ, कोई डिरेल नहीं किया उनके नहीं, इस बात का जवाब रक्षा मंत्री ने दिया, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है और अपने संबोधन का जब समापन था प्रधानमंत्री से गले मिले हैं, और जो अंदाज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ भी कहते रहे, जितना भी डीमोरलाइज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपने ध्येय से हटने वाला नहीं हूं, ये परिवर्तन क्या अब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी में एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है और ये आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है? मैं बताता हूँ ये देखिए जो कितने सीरीज अब उनके घर में प्राइम मिनिस्टर उन्होंने देखा है, उसके बावजूद उनके कोई भाषण को 100 में 100 नहीं दिया गया है, आज भी नहीं मिल सकता है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भाषण दे करके उन्होंने कोई नई बात बताती, कोई सुझाव देते कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमारे ये सुझाव को लीजिए, देश में ये काम होना चाहिए, सही चर्चा तो अविश्वास पर थी ना, केवल अविश्वास पर चर्चा हो रही थी, सुझाव पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही थी ना, आप इस बात से कफात नहीं रखते, विश्वास तो पूरे देश को, आप उनको 100 में से 100 नंबर नहीं देते, वो आपको 100 में से 100 नंबर नहीं देते हैं। सर लेट मी कंप्लीट, मैं और एक बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो गरीब एक चाय वाले का बेटा, उसको कितने बार उनके माँ भी और राहुल गांधी जी ने भी हजारों बार अपमानित किया, कहा कि सूट बूट की सरकार है, हर प्रकार से अपमानित करने का कोशिश किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सहजता के साथ उनको कहा, आनंद साहब जी गिव एंड टेक, गिव एंड टेक राजनीति में तो यही चलता है ना, देश हित में आज एक आरोप नहीं लगा पाए, ठीक आनंद साहब जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, ये थोड़ा समझ से परे, चिंटू शेख साहब, आज हमारी सरकार चिंटू शेख साहब एक आरोप नहीं, चिंटू शेख साहब विरोधी हमें 10 में से 10 अंक दें, ये बात लोग समझ सकते हैं, आनंद साहू जी ऐसा नहीं होता ना कि आपके हिसाब से डिबेट चलेगी, आपको छोड़ दिया जाए 1 घंटे के लिए आप बोलते रहिए, ये तरीका नहीं है ना, ये आपकी पार्टी की बैठक नहीं है, जनता नहीं चाहती कि इनको चुन के दे, मैं चिंटू शेख जी आपके पास आ रहा हूँ, डिसिप्लिन का काम है सर, सर जो हम बार बार कह रहे हैं कभी हाँ कभी ना की स्थिति, आप लोग खुद असमंजस में है, आप सरकार में सहयोगी की भूमिका में नजर आते हैं, आप सदन में विपक्षी की भूमिका में नजर आते हैं, आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं है क्या? हमारा स्टैंड क्लियर है, हम 2019 का इलेक्शन अलग लड़ेंगे, हमने पहले ही डिक्लेयर किया है, अब हम सरकार में है, मगर इस अविश्वास प्रस्ताव में हम कौन सी भूमिका लेंगे बहुत जल्दी स्पष्ट होगा, हमारी पार्टी हमारे हाईकमांड से चलती है, हमारे हाईकमांड बहुत जल्दी पत्रकार परिषद ले रहे हैं, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, मगर हमारी पार्टी ऐसे अपमान और एक दूसरे का नाम खराब करने के बीच में नहीं आती है, नहीं चिंटू शेख जी, आपको लग रहा है कि सहयोगी धर्म निभा रहे हैं, साथ में रहेंगे क्या नहीं रहेंगे बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, ये सहयोगी धर्म स्पष्ट हो जाएगा, आपको लग रहा है कि सहयोगी धर्म है, क्या बोल रहे ये सहयोगी धर्म है, हेलो आवाज पहुंच रही मेरी चिंटू शेख, हमें अभी साथ में रहना है कि नहीं रह रहा है, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये बड़ा हैरानी की बात पीयूष पंत जी होती है, हो रहा है कि जिस तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही है कि हमें साथ रहना है नहीं रहना है, सरकार में तो हम है लेकिन सदन में विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, पिक्चर तो क्लियर होनी चाहिए ना,
निश्चित रूप से देखिए, असल में ये जो पिक्चर अभी थोड़े टाइम में शिवसेना का और जो इनका रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार यही चल रहा है कि वो असल में शिवसेना ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो अपना भविष्य किस तरह से देख रही है। वो चाहती भी कि वो सत्ता में बनी रहे, कम से कम महाराष्ट्र में तो सत्ता में रहे, और वो सत्ता का भोग भी करना चाहती है। लेकिन कहीं कहीं उसको लगता है कि वो जो है महाराष्ट्र में खासकर वो जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी उसको पिछाड़ने में लगी हुई है। तो ये जो एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास भी दोनों पार्टियों में है और साथ में सत्ता सुख भोगने का भी एक लाल जो है आकांक्षा है, ये है जो इसका जो जिस जिस ये जो है ये सबसे बड़ा संकट जो है ये इनके साथ वही सबसे बड़ा संकट है। देखिए इन्होंने ये भी तरीका ठीक है ना, आपके पास आप जनता को शेख साहब जनता के हाल करोगे, किसानों के हाल। शेख साहब आप लोग अपनी 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 तस्वीर साफ नहीं कर पा रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम बहुत जल्द फैसला ले लेंगे, या अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है कि हमें साथ रहना कि नहीं रहना है। मैं आऊंगा ना दोबारा आपके पास, फिर आप अपनी बात। 2019 में तो साथ भी नहीं रहेंगे, ठीक है, और इसका हमारे पक्ष प्रमुख अभी 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 जो है अभी दिन में खबरें आ रही थी कि वो सरकार में रहेंगे लेकिन विश्वास मत में भाग नहीं लेंगे, विश्वास मत में भाग नहीं लेंगे। तो ये वही है कि भाई हम यहाँ का भी सुख उठाएंगे और जो है कि हम सरकार के खिलाफ भी नहीं आएंगे। यही आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी यही हो रहा, लगातार जो है आलोचना करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी आलोचना करते हैं, लेकिन वहाँ बने हुए हैं। ठीक है चिंटू, अगर ये मतलब केंद्र सरकार से या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से खुश नहीं है तो सीधे सीधे इनको उससे अलग हो जाना चाहिए और ये जनता के सामने कहना चाहिए कि हम इनसे असंतुष्ट हैं क्योंकि ये वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए सरकार में ये आए थे। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, जनता के सामने इनकी एक छवि बनेगी, लेकिन वही कहीं इनके वोट बट न जाएं, इनको मौका नहीं मिले तो साथ में सत्ता सुख भोगने के लिए ये बने भी रहना चाहते हैं और एक अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू नहीं है, हम बराबर का उनके साथ स्टैंड रखते हैं, बल्कि हम कहीं महाराष्ट्र में उनके आगे रहे। तो ये छटपटा हाथ जो हमें लगता है वही इनकी जो है। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, चिंटू शेख साहब जो नाव की सवारी अक्सर डूबने का खतरा रहता है। चिंटू शेख साहब एक बात और सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, उद्धव ठाकरे जी ने तो ऑलरेडी घोषणा कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। अब ये देखिए टीडीपी जो है, टीडीपी आनंद साहू जी, आनंद साहू जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। अभी नहीं है, अभी स्टैंड क्लियर नहीं है। मैं गोविंद जी आपके पास आऊंगा। एक तो शिवसेना का रोक, एक शिवसेना का रोक, क्या शिवसेना दो नाव की सवारी कर रही है? आप हट जाइए सरकार से, समर्थन वापस ले लीजिए। बिल्कुल नहीं, अभी तक उद्धव साहब ने कुछ नहीं। और दूसरा सवाल ये कि बीजेपी के रुख को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? ठीक है शेख साहब ठीक है। और इसमें क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को उनकी जरूरत है भी और वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं, तो इसलिए वो इस तरह का अपना आप जो स्टैंड है एक तरफ वो घोषित कर चुके हैं कि वो अगला चुनाव अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम सरकार में हैं, समर्थन विश्वास प्रस्ताव करेंगे या अंतिम समय में तय करेंगे। कुल मिलाकर सत्ता का लाभ वो लेना चाहते हैं और 2019 के चुनाव के पहले परिस्थितियां कैसी होती उसके हिसाब से हो सकता है कि चुनाव के वक्त उनका ये स्टैंड फिर से बदल जाए और फिर से वो बीजेपी के साथ होकर चुनाव लड़े। आज की तारीख में वो अपनी क्षेत्रीय राजनीति में अपनी दबंगई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार अलग से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी वो बात है। अगर उनको वाकई में अलग से चुनाव लड़ना था और वाकई में उनका इरादा अलग से चुनाव लड़ने का है तो उनको बीजेपी के साथ उनका जहां भी सरकारों में हिस्सेदारी है और गठबंधन है उससे अपने को अलग कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो दो नावों की सवारी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका चित भी उनकी रहे और पट भी उनकी रहे और सिक्का तो उनके पास फिलहाल है ही, तो इसलिए उनकी राजनीति को विशुद्ध एक अवसरवादी राजनीति कहा जाना चाहिए और वो वही राजनीति जिससे उनकी पार्टी को लाभ हो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस उनका जो दृष्टिकोण है उसको इसी रूप में विरोध करना है तो विरोध करते हैं। चिंटू शेख साहब ये तरीका तो ठीक नहीं है ना, आप बहस में पहली बार शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल ये तरीका तो नहीं होता ना सर। बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी पूरा अवसर दीजिए। मैं आपके पास आकर पूरा मौका दे रहा हूँ,
तब भी आप अपनी बात रख रहे हैं और जब कोई दूसरा मेहमान बोल रहा है तब भी आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये तरीका गलत है ना सर? नहीं बोलिए गोविंद जी, जी गोविंद जी। तो अक्षय, जो जिस तरह से शिवसेना का जो रुख है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो महाराष्ट्र में अपने हाथ में ज्यादा शक्ति लेना चाहते हैं, और आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलग चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि वो चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले बीजेपी के साथ फिर से आने की बात कर रहे हैं, अगर उनको उनका जैसा जिस हिस्से की वो कामना कर रहे हैं वो हिस्सा उनको मिले। और अभी भी जिस तरह का ढुलमुल रवैया उनका है उससे ये दिखता है कि पार्टी में अंतर्विरोध है, कुछ लोग कुछ लोगों की राय एक दिशा में हो रही है, कुछ लोगों की राय एक दिशा में हो रही है। इसलिए जो स्पष्ट फैसला है कि कल जब एक बार ये कह दिया गया था कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ रहेगी, व्हिप जारी करने की बात थी, फिर कहा गया कि व्हिप वापस ले लिया गया है, अब कहा गया कि वो अपना फैसला अभी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, तो ये दिखाता है कि पार्टी में इस बारे में एक मत सारे लोग नहीं है, और लाभ हानि को लेकर कि लाभ किस चीज में ज्यादा होगा इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, और इसीलिए इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर वो कहां जाएं या किसके साथ जाएं उनको भी ये पता है कि गणित पर ये चीज बहुत ज्यादा प्रभाव इससे पड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर वो सदन के अंदर बोलते हैं, प्रस्ताव के पक्ष में भी बोलते हैं, तब भी उनको अपनी बातों को, अपनी समस्या को, अपनी पीड़ा को, और अगर बीजेपी के साथ रहते हुए उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को राजनीतिक लिहाज से बताने का मौका होगा। अब अगर वो इस मौके को गंवाते हैं तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर बहुत चतुर कदम नहीं होगा, तय शिवसेना को करना है। डॉक्टर हलानकवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बीजेडी का वोटिंग से बाहर रहना क्या विपक्षी एकता के लिए झटके के तौर पर नहीं देखना चाहिए? कि आज तो विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत थी, आप लोग जो प्रयास भी कर रहे थे। अक्षय, हम आपका शुरू का एक वर्ड नहीं सुन पाए हैं, फिर से कह देंगे। सर, बीजेडी ने जिस तरह से कहा कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये विपक्षी एकता के लिए झटका आपको नहीं लग रहा है कि असमंजस में है वो भी? नहीं अक्षय, देखिए बीजेडी जो है वो कभी भी जो एक गठबंधन की बात होती है उसमें कभी भी उन्होंने शामिल होने की बात नहीं कही है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा है। वो अभी भी देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते, और गठबंधन से उनकी किसी तरह की कोई वार्ता इस प्रकार की हुई नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो अपने आप को वोटिंग से अलग रखा। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि जहां शिवसेना जो है वो एक अवसरवादी पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। जिस तरह से शिवसेना हर मौके पर इनको बेइज्जत करती है, जिस तरह से शिवसेना हर मौके के पर भारतीय जनता पार्टी को स्नब कर रही है, और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिवसेना के साथ गठबंधन बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं वो अवसरवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। ये आरोप तो कर्नाटक को लेकर भी जाती है, कर्नाटक के आंसुओं की याद दिला दी जाती है भारतीय जनता कि अभी दो महीने से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ, अभी से आंसू निकलने शुरू हो गए, आगे गठबंधन कैसे चलेगा? अच्छा, हम बात जी अक्षय हम पूरी बात कर ले फिर हम उस पर भी कहेंगे। आज की तारीख में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी किसी तरह से आपस में एक दूसरे को स्नब नहीं किया है, उन्होंने अब तो उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है। तो यहां पर एक बात है कि शिवसेना लगातार बेइज्जत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना लगातार भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह दिखा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जानती है कि अगर उनको महाराष्ट्र में सरकार चलानी है तो शिवसेना का साथ चाहिए। आज भी अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अपना जो है वो खींच लेती है समर्थन, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी, और 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी। इस पर जवाब क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है, इस पर रिएक्शन आनंद चौधरी से बनता है। शक्ति में सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपमान का घूंट पी रही है। ठीक, आनंद साहू जी जवाब दीजिए, अपमान का घूंट पी पी कर आप साथ जोड़े रखना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, देश जो है एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और इसमें संविधान जो है सर्वोच्च है, उसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी यही कहते थे कि देखो जब तक सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो समूचा विकास जो है वो नहीं हो सकता है। और उसी के लिए देखिए
जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फेडरल स्ट्रक्चर सबको मजबूत करने के लिए सबको साथ लेके चलना है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। अब देखिए ये बात जो है लोगों को लगता है कि अपमान हो रहा है, अरे जिसका मान होता है उसी को अपमान होता है, जिसका कोई मान ही नहीं उसका क्या अपमान है। आप समझिए बात को, देश में संख्या बल जो है जो चुन करके आते हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव एंड बियॉन्ड दैट देर इज नथिंग। जब तक आपके पास संख्या बल नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर आपका मजबूत कैसे होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब विषयों को देख करके आज देश में जो एक मैसेज दिया है कि जो एक माहौल बना रहे थे कि नहीं सबका अपमान हो रहा है, अरे ऐसा नहीं है, उल्टा हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कई लोगों ने दाएं बाएं उल्टा सीधा बातें करी, आज भी कर रहे हैं वो सब, चले ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। चिंटू शेख साहब से हाँ ना मैं जवाब चाहूंगा, चर्चा के समापन का वक्त है। क्या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोटिंग में आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे, अभी कुछ तय कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या 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 सवाल है? एक बार देखिए, एक बार क्या है, जब मैं बीच बोलता हूँ तो थोड़े टाइम में पीछे क्लियर हो जाएगा हम साथ में है क्या नहीं है। हाँ। ज्यादा करके हम तटस्थ रहेंगे, यही बात आ रही है कि हम तटस्थ रहेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में भाग नहीं लेंगे। आप मुझे सवाल बताइए। नहीं, ये सवाल आपसे नहीं था आनंद साहू जी, अब चर्चा के समापन का वक्त हो गया है। एक फाइनल एक्शन पीयूष पंत जी, एक परिवर्तन जो राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह से देखने को मिला, गांधीगिरी का जो रास्ता भी देखने को मिला, हालांकि तथ्यों के साथ जो बात रखनी चाहिए थी उन्होंने आरोप जरूर लगाया, चाहे कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से हो या फिर राफेल के जरिए सबसे तीखा हमला बोला हो, तमाम बातें रखी है, भले ही आंकड़ों के लिहाज से ना रखा हो, लेकिन आप मान रहे हैं कि जो मोटिव था विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में एक गठबंधन, मजबूत गठबंधन की नींव को तैयार करना, क्या उस दिशा में बढ़ी है कांग्रेस? नहीं देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जहां तक आंकड़ों का नहीं पेश करना, ये बात निश्चित रूप से है कि उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो स्पीकर द्वारा जो समय दिया गया था पार्टी, हर पार्टी को, वो बहुत कम समय था और हर स्पीकर को उसी में बोलना, तो अगर वो एक ही राफेल पे शायद मुझे लगता, हालांकि कमी मैं मानता हूँ कि तैयारी होनी चाहिए अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो, लेकिन स्थिति राहुल गांधी को जैसा कि वो कांग्रेस को सामने लेके आ रहे हैं बहुत समय बाद, क्योंकि कांग्रेस से सब कुछ सब छिटक गया है, जितने वर्ग थे जो तबके थे समाज के वो धीरे धीरे छिटकते चले गए, तो वो एक बार फिर से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो सभी समस्याओं को, वो करप्शन की समस्या, बिल्कुल इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आखिर आने वाले वक्त में 2019 में किस तरह से चुनौती पेश की जाएगी, हालांकि अभी भी पक्ष रखा जाना बाकी है, क्या कुछ बातें और निकल कर सामने आती है इस पर भी सभी की निगाहें जरूर होंगी, लेकिन जो भूकंप की बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी के पास आज बेहतर मौका है, क्या उस मौके का सदुपयोग वो कर पाए, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एपीआर न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।